हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसका एग्ज़ाम 29 अप्रैल को होने वाला है। उसी के संदर्भ में मैं बहुत से आप लोगों को गणित के प्रैक्टिस सेट कराता रहता हूं, और उसी के आगे आज मैं लेकर के आया हूं एक दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो आपको तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 30 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। पहली बात तो ये जो बगीचा है बच्चों, ये आपका वर्गाकार है। वर्गाकार क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसमें चूंकि 4 भुजाएं होंगी, तो सबसे पहले हम वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप चाहे आप ऐसे जोड़ लें, 100-100 है 4, तो 400 हो जाएगा, या परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, तो ये हो गया 400 मीटर, यानी इसमें 400 मीटर आपका तार लगेगा। और एक मीटर जो तार है उसका व्यय 30 रुपये है। तो अगर आप 400 मीटर लगवाएंगे तो यकीनन वो ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा के लिए क्या होगा? गुणा होगा, क्योंकि 1 मीटर का मालूम है 4 यानी 12, इसका मतलब 12,000 रुपये आपके खर्च होंगे, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई 8, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो घनाभ का पृष्ठ क्या होगा? आपने कक्षा 5 की बुक में पढ़ा होगा, घनाभ जो होता है, जैसे हमारी माचिस की तीली है, कमरा है, ये सब घनाभ होते हैं। और इस घनाभ का पृष्ठ यानी इनका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो घनाभ होता है उसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो बच्चों होता है 2 लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + ऊंचाई × लंबाई। अब आप इसमें इस फार्मूले के तहत देखिए, लंबाई 8 है, 8 × चौड़ाई 6 कर देंगे, चौड़ाई × ऊंचाई कर देंगे, ऊंचाई × लंबाई कर देंगे, तो ये हो गया उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 हो जाएगा और 8 × 48, और ये तुम्हारा आया था 6 × 3 = 18 और 18 × 3 = 24, ये हो जाएगा 2 × जैसे ही आप जोड़ोगे 8 × 8 = 16 + 20 + 2 = 4 + 4 = 8, और ये तुम्हारा हो गया 8 × 9 यानी 90, 9 × 2 = 18, 180 वर्ग सेंटीमीटर। आपको 180 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिख रहा है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और ऑप्शन बी यहाँ से टिक कर देता हूँ। रही बात अगले प्रश्न की, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है, 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? जल्दी से इसका कमेंट कीजिए और मैं आपको तब तक बताता हूँ इसका समय। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों? फार्मूला ये होता है दूरी बटे 4। यहाँ पर दूरी आपकी 250 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो 5 × 5 = 25, इसका मतलब आपको इस यात्रा करने में आपको 5 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न भी आपका बिल्कुल उसी तरीके का है। एक रेलगाड़ी 12 घंटे में 432 किलोमीटर चलती है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी चाल निकाल लेंगे, उसके बाद में बदलेंगे। तो ये चाल बराबर बच्चों होता है दूरी, दूरी कितनी 432 बटे समय, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। अब इसके बाद ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, तो 432 × 12 × 5 अगर 18 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। अब आप इसको हल कर लेंगे तो आपका तुरंत यहाँ से प्रश्न जो बना है उसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 9 से काटूँ, देखो 9 × 2 = 18 और 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 36 और 9 × 8 = 72 हो गया, 12 × 12 = 36 और नहीं 12 × 4 = 48 होता है, और 2 × 2 = 2 × 2 = 4, तो 5 × 2 = 10 यानी 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो मैं देखिए 10 आपका आंसर यहां से
अगला प्रश्न आपको दिया गया है, रुपये 3 प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में किस मूलधन का मिश्रधन 392 रुपये हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर मूलधन पूछा जा रहा है, समय दिया है और जो 3 रुपये प्रति सैकड़ा ये दर दी गई है बच्चों, दर भी यही होती है और आपको मिश्रधन दिया गया है। तो यहाँ से आप साधारण ब्याज निकाल लेंगे। कैसे, मान लेते हैं कि जो मूलधन हमारा है वो एक्स रुपये है, ठीक है। मूलधन कितना है बच्चों, एक्स रुपये मान लीजिए। तो आपका जो साधारण ब्याज है ये निकलेगा मिश्रधन यानी 392 माइनस एक्स। अब आप यहाँ से फार्मूला लगा लेंगे, मूलधन बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज बटे दर इंटू समय, ठीक है। अब आप यहाँ पर मूलधन मान लीजिए एक्स था 100, साधारण ब्याज है 392 माइनस एक्स और बटे आपका दर थी आपकी यहाँ पर 3 और समय था 4। 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी 25 हो गया। अब आप तिरेक गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3x बराबर, और 25 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 392 इंटू 25 माइनस 25x। अब आप 25x इधर लाएंगे, 25 और 3 हो जाएगा बच्चों ये 28x बराबर 392 इंटू 25 अपान 28। अब आप इसको काट लीजिएगा, ये देखिए आपको 2 से पहले काट लेंगे तो आ जाएगा 14, और इसको 2 से काटोगे तो देखिए 2 एकम 2, दुनाम 18 और 2 छंग 12, 196, 14 एकम 14, 14 चौदहियम 196, तो आ जाएगा 14 इंटू 25, दोनों की गुणा करोगे आ जाएगा 350। इसका मतलब मूलधन जो है 350 रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों, 6000 रुपये दर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर आपके लिए समय के लिए थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी, तो देखिए समय आप जानते हैं कि 365 जब साधारण वर्ष होता है, 365 दिन होते हैं, 365 दिन बराबर आपका एक वर्ष होता है, तो एक दिन में कितने होंगे, 1/365, ठीक है वर्ष। तो ऐसे 219 से आप क्या कर दीजिएगा, 219/365 ये आपका समय हो गया। तो आप यहाँ पर समय आपका निकल आया, तो समय के साथ साथ अब आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का बच्चों फार्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे सौ। अब मैं यहीं पर करता हूँ, मूलधन आपका है बच्चों 6000, समय 219/365 और दर जो है वो है बच्चों 5 और बटे होता था 100, हमने यहाँ पर 100 कर लिया। अब आप यहाँ से देखिए 10 काट लीजिए, 5 से इसको काटिएगा, 5 एकम 5, 5 सत्तर 35, 5 तिहाई 15, 73 एकम 73 तिहाई होता है 219, तो 6 तिहाई 18 यानी 180 रुपये ब्याज होगा, जो कि देखिए ऑप्शन बी में आप देख रहे होंगे 180 आप यहां से लगा लीजिएगा। फिर है 12, 24x तथा 44 का औसत 30 है, तो x का मान क्या होगा। तो औसत कैसे निकलता है बच्चों, हमारे पास 1, 2, 3, 4 चारों संख्याओं को जोड़ के 4 से भाग कर दीजिए और 30 के बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा औसत। तो यहां पर औसत कितना है 30, औसत बराबर संख्याओं का योग 12 24 प्लस एक्स प्लस 44, ये कितनी संख्याएं हैं 4, तो ये हो जाएगा तिरेक गुणा कर लेंगे बच्चों, तो 12 36 और 44 जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 80 यानी 30 बराबर 80 प्लस एक्स बटे 4, यहाँ से तिरेक गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 80 प्लस एक्स बराबर 4 यानी 12, तो एक्स बराबर 180 माइनस 120 माइनस 80 बराबर आ जाएगा 40। इसका मतलब जो x है उसका मान कितना होगा, 40 होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई
पड़ रहा है। अगला हमारे पास एक प्रश्न है, ए प्लस बी, ए बी और सी का औसत क्या होगा। तो चूंकि औसत का सभी को मालूम फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे यानी संख्याओं की कितनी संख्याएं हैं, तो आप देखिए यहाँ पर तीन संख्याएं, तो इसका औसत हो जाएगा एवरेज, यानी एवरेज या औसत बराबर होता है कि जितने भी हमारे पास आंकड़े दिए गए आंकड़ों का योग ए प्लस बी प्लस सी, कितने आंकड़े हैं तीन, तीन से भाग कर देंगे तो यही औसत हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और कितने आंकड़े हैं तीन, तो तीन से इसको हम लोग कर देंगे भाग। अगर मैं देखूं 49, तो 49 में पूछ रहा है यदि क्रय मूल्य 350 और आपका प्रतिशत लाभ यहाँ पर देखिए नहीं, और लाभ हटा दिए प्रतिशत 4% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते थे। कैसे, अब आप देखिए 350 की कोई चीज़ है, इस पर हमें लाभ लेना है 4%, ये कितना हो जाएगा 350 का 4%, 10 काट दीजिए, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, 5 × 7 = 35, 7 × 2 = 14 रुपये, यानी 350 रुपये का ये हमारे पास है क्रय मूल्य। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य और प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य इसने 350 रुपये का था, इस पर 4% का लाभ लिया, 14 रुपये हो गया, तो 364 रुपये का आपको वस्तु बेचने को मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ से 364 ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न है, 1 रुपये में 10 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। प्रश्न आप लोग होमवर्क में करिए, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा 50वें का। चलिए अगला प्रश्न में देख लेता हूँ, 12% की भिन्न होगी, तो 12% है, प्रतिशत जब हटाते हैं तो 12/100 ये 100 हो जाएगा, 4 से कटेगा ये, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 3/25, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, 89% की दशमलव भिन्न क्या होगी, तो आप 89 यहाँ लिख लीजिएगा अपान 100 करिएगा, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 0.89, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, 124 रुपये में 5 पेंसिलें आती हैं, तो 198.40 रुपये में कितनी पेंसिलें आएंगी, तो आप बहुत सिंपल सा है, 124 रुपये में आती हैं 5, इसलिए 1 आएगी, तो ये हो जाएगा 5/124, इसलिए 198.4, तो 198.4 को आप हल कर लेंगे, दशमलव हटा दीजिएगा, 5 × 2 = 10 ये हो जाएगा आपका, और 5 × 2 = 20, 5 × 8 = 40, अब आप इसको यहाँ से 200, फिर 2 से काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, अब आप देखिए 4 से ये आपका कट रहा है, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20 होता है, 4 × 16, 4 × 8 = 32, अब देखिए 8 से कर दें 1 जा और 8 जा, इसका मतलब ये 8 आएगा, इसका मतलब हम 198 रुपये 4.40 की 8 पेंसिलें खरीद पाएंगे। अगला प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, 1 प्लाट के 3/5 भाग का मूल्य 30,000 रुपये, तो पूरे प्लाट का मूल्य क्या होगा, आप इसे ऐसे लगा सकते हैं, 3/5 भाग का मूल्य बराबर है 30,000, इसलिए 1 भाग का यानी भाग कर देंगे 30,000/5, ये 3/5, 5 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 से इसे काट लेंगे, 0 यानी 10,000 × 50,000, यानी पूरे प्लाट की कीमत जो है वो 50,000 होगी। अगला प्रश्न भी आपके सामने यहाँ पर डेसिमलों में नंबर दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा 0.3 की वैल्यू 1.5 हो तो मूल्य, इसका मूल्य क्या होगा, तो आप इसको रख कर के गुणा भाग करिएगा और आप यहाँ से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब आपके पास देखिए 3
0.01 बटे यहाँ पर 2√3 माइनस 2.90 है, तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू रखेंगे 2 × 1.5 × 0.01 / 2 × 1.5 − 2.90, तो ऊपर की आप गुणा करेंगे तो 15 × 2 = 30, 3 ये आ गया 0.0, ये 1 था, सॉरी ये 1 है, यहाँ पर 0.1 ही है, ये नहीं है इतना, ठीक है 0.1, तो ये पॉइंट आपका 1 हो जाएगा अपान, ये देखिए 3 में से 2.9 आपको घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 को गुणा कर दोगे तो 0.3 आ जाएगा, और ये 0.10 बचेगा, जैसे हटा दोगे 0 हो जाएगा, आप इन दोनों को हटा करके ये 3 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो 55 वाला प्रश्न था, देखिए उसका आंसर आपके सामने यहाँ पर 3 आया था, जो कि दिखाई भी पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 3.25 का होल स्क्वायर माइनस 2.25 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बच्चों होता है बीजगणित का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप यहाँ से ए प्लस बी यानी 3.25 प्लस 2.25 और 3.25 माइनस 2.25 करोगे। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो 3 और 1 = 4 और 0.2525 तो हो जाएगा 0.5 और 3 × 2 = 5, तो 5.5 इंटू इन दोनों घटाओगे तो आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो गया 5.5। देखिए यहाँ पर कोई इनको आंसर आपको मिल रहा होगा, ये देखिए लिखा है 5.5, आगे 0 आप बढ़ा सकते हैं। अगला है, एक परिवार में चीनी का खर्च प्रतिदिन 300 ग्राम है, तो नवंबर में चीनी की खपत कितनी होगी। अब देखिए 300 ग्राम एक दिन में, नवंबर में बच्चों होते हैं 30 दिन, तो खपत हो जाएगी 9009000 ग्राम, और एक किलो में होता है 1000, एक किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा केजी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी 9 किलोग्राम चीनी लगेगी, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रही है। अब 58 नंबर सवाल जो है ये आप कर लेंगे, यहाँ पर एक्स मान लीजिएगा, तो ये एक्स इधर ले आओगे तो एक्स इक्वल टू 5400845 माइनस कर दोगे 3646729, घटा के आप यहाँ से बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, तो ये आपके लिए है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ज़रूर बताऊँगा। लिखा है 53, 21 और 120 के महत्तम समापवर्त। तो सबसे पहले इसका महत्तम समापवर्त आप निकालेंगे। पहली बात, यहाँ 0 है तो इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो 12 और इनका गुणक होगा, तो गुणक में देखिए ये 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, न तो ये 2 से कट रहा है, न तो ये 3 से कट रहा है, न तो ये आपका 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब इसके कोई भी गुणनखंड इससे मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसका महत्तम समापवर्त बच्चों कितना हो जाएगा। एक चाहे तो आप 120 और ये 53 का इसका निकालिएगा, इसका महत्तम समापवर्त आपका भाग विधि से देखोगे एक ही आएगा, तो इसका मासा कितना हो गया बच्चों 1, और अगर एक में मासा में से 1 घटा दें तो 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 लगातार सम संख्याओं का लासा क्या होगा। तो 2 लगातार यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था प्रथम 2 लगातार, तो प्रथम 2 पहली 2 होती है, अगली 4 है, तो 2 और 4 का लासा अगर आपको निकालना है, 2 से काटिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 से करोगे 1 × 1, तो इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। कुल मिला के ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न, यानी एक बहुत अच्छा मॉडल पेपर, जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया इसे कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।